वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज हम रीजनिंग के अंदर घनाभ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल हमने घनाभ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और घनाभ का एक एग्जांपल भी कर लिया था। आज हम घनाभ का नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। एक 15 × 18 × 21 सेंटीमीटर घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 3 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहां ध्यान दो बोर्ड पर, एक क्यूबोर्ड दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? एक क्यूबोर्ड दिया हुआ है। एक क्यूबोर्ड में आपको इसकी डायमेंशन क्या दी हुई है? इसकी डायमेंशन दी हुई है 15 × 18 × 21। 15 × 18 × 21 ये दे रखी है। तो अगर हम n1 का मान इसमें निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15 नीचे लिखेंगे, 15 ऊपर, और इसमें कितने सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया, 3-3 सेंटीमीटर के। तो n1 का मान कितना हो जाएगा? 5। n2 का मान कितना हो जाएगा? देखो 18/3 तो यह जाएगा 6। और n3 का मान कितना जाएगा? 21 में 3 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 7। तो आप ध्यान देने की कोशिश करो। एक बार क्या पूछा है? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो। तो मतलब देखो क्वेश्चन क्या है, जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो। आप एक बात ध्यान से सुनना मेरी, इसका मतलब क्या होता है, अर्थात क्या हो, रंगहीन या रंगीन? रंगहीन। तो सूत्र होता है, घन में क्या होता है इसका सूत्र, n-2 का क्या होता है, क्यूब होता है। n-2 का मतलब होता है n-2 × n-2 × n-2। इसका मतलब यही होता है, बस कुछ फर्क है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर n का मान घनाभ में अलग हो जाता है, इसलिए 1, इसलिए 2 और इसलिए 3। कुछ समझ में आया? हम उसको देखकर इसका फॉर्मूला याद कर रहे हैं, ठीक है। तो n1 का मान कितना है बताओ, n1 का मान कितना है? 5, 5 - 2, क्लियर। और n2 का मान कितना है? 6 - 2। और n3 का मान कितना है? 7 - 2। 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4, और 7 में से 2 गए 5। 5 × 20 = 60। तो ऐसे जो रंगीन घन होंगे ना, वो कितने आ जाएंगे बताओ? वो 60 आ जाएंगे। समझ में आ गए कि नहीं आ गए? नोट कर लो इस क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक 8 × 10 × 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, 3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, 2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है, 1 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। और फिफ्थ क्वेश्चन है, रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देखो आपको इसमें डायमेंशन क्या दी हुई है, जो माप है ना, इसमें घनाभ की माप आपको याद रखनी, कितनी दी हुई है घनाभ की माप, घनाभ की माप कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है इसके अंदर माप, भाप मत कर देना। माप है 8 × 10 × 12, कितनी है? 8 × 10 × 12। आप देखो इसको कितने भागों में काटना है, इसको 2 सेंटीमीटर के भागों में काटना है। तो n1 का जो मान होगा ना, वो क्या होगा, 8 × 8/2, 2 × 8। n1 का मान 4, n2 का मान कितना है? 10/2,
कितना है 5, एन थ्री का मान कितना होगा 12/2, इसका मतलब क्या होगा 6। इतनी बात समझ बैठ गई नहीं बैठी ये बताओ, बैठ गई ना। उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें आपको एन वन एन टू एन थ्री ही चाहिए ना, बस और कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। ये निकलने के बाद क्या होगा, आपसे पूछेगा कि बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आप ध्यान दो, वहां पर क्या था, बस n का क्यूब था, n गुणा n करते थे हम, मतलब कि n का क्यूब करते थे कुल घनों की संख्या निकालने के लिए। यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर n1, n2, n3, क्योंकि तीनों माप अलग अलग है ना, इसलिए ही हम ऐसा करते हैं। इसमें 4 × 5 × 6, 6 × 30, 30 चौका कितना होता है 120। तो आप बताओ पहले वाले में कुल घनों की संख्या का आंसर क्या जाएगा, 120। दूसरा क्वेश्चन देखो, 3 सतह के घनों की संख्या फिक्स होती है, इसमें कितनी होती है 8, कितनी होती है, ठीक है। और 2 सतह के घनों की संख्या में देखो क्या होता है, बताओ 4 में काटेंगे ना, एन वन माइनस और फिर एन टू माइनस और फिर एन थ्री माइनस टू। ध्यान दो, एन वन का मान कितना है बताओ 4, 4 में से 2 गए, 4 − 2 और फिर क्या है 4 प्लस 4 इंटू एन टू का मान कितना है 5 माइनस 2 प्लस और एन थ्री का मान कितना है 6 माइनस 2। देखो 4 में से 2 गए, 2 × 8 आ जाएगा ना, प्लस 5 में 2 गए 3, 3 × 12 और 6 में 2 गए 4, 4 × 16, 28 × 8 कितने हो जाएंगे 36। बताओ 2 सतह घनों की संख्या का आंसर कितना जाएगा, 36 आ जाएगा, कितना जाएगा 36। बात बैठ गई नहीं बैठी समझ में, बताओ पहले, ठीक है हाँ ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, 1 सतह घनों की संख्या क्या होगी, 1 सतह घनों की संख्या सूत्र बताओ क्या होगा, वजन 1 सतह घनों की संख्या का, अरे 2 आगे क्या होगा, फिर प्लस नहीं होगा, एन टू माइनस, उसके बाद एन थ्री माइनस, ये सूत्र होगा क्या बताओ, 1 सतह के घन संख्या केंद्रीय घन होती है ना, तो बताओ 2 में नहीं काटा था क्या अपन ने, तो 2 लगेगा नहीं लगेगा, और प्लस होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हारे हाल है, तुम खुद देख लो, ये तो तुम्हारे हाल है। मैंने कहा हो सकता है भाई, तुम ही मास्टर हो, बताओ सही है क्या, कोई दिक्कत है कि सूत्र में कैसे आए, अरे 1 सतह के घनों की संख्या का मतलब उसमें जब 6n − 2 का स्क्वायर था, तो n माइनस 2 को स्क्वायर का मतलब क्या है, n1 माइनस 2, ये सूत्र नहीं इसका, ये है सूत्र n2 माइनस, ये है ना, फिर 2 n2 माइनस 2 और n3 माइनस, यही होगा ना, फिर क्या होगा 2 n3 माइनस 2 और n1 माइनस 2, ये सूत्र है ना। आप देखो n1 का मान 2 इंटू n1 का मान कितना है 4, 4 में से 2 गए तो 2 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, और n2 कितना है 5 में से 2 गए 3 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 2, n2 कितना है n2 माइनस 2 का, तो यही आएगा ना 3, और n3 माइनस n3 कितना है 6 में से 2 गए 4, क्या ये सही है क्या बताओ, अरे भाई इसका तो ये आ गया, उसके बाद इसका 2
और एन टू माइनस टू का यही आएगा ना तीन, और एन थ्री माइनस टू चार, फिर प्लस में क्या है टू, एन थ्री का कितना आएगा चार, और इसका कितना आएगा वन माइनस टू का दो ही तो आएगा, तीन दूनी छः दूनी बारह, प्लस चार दिया बारह दूनी चौबीस, चार दूनी आठ दूनी सोलह, कितना हो गया चौबीस और छः तीस चालीस पचास बावन, कितने आ गए बावन। तो आंसर बावन समझ में आ गए कैसे आएगा है? और रंगहीन घनों की संख्या का कैसे निकालेंगे देखो इसका सॉल्यूशन। रंगीन घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या था वहां पर, एन वन माइनस टू का क्या था क्यूब था ना, लेकिन यहां पर क्या है एन टू माइनस टू और एन थ्री माइनस टू, क्या यही होगा क्या, एन वन कितना है चार माइनस दो, एन टू कितना है पांच माइनस दो, एन थ्री कितना है सिक्स माइनस टू। देखो चार में से दोगे दो, पांच में से दोगे तीन, छह में से दोगे चार, चार तीन बारह दूनी चौबीस। एक बात बताओ आप सबको जोड़ो, छत्तीस और चार चालीस, साठ और पचास कितने हो गए एक सौ दस, एक सौ बारह, एक सौ बारह और आठ कितने हो गए एक सौ बीस। तो कुल घनों की संख्या बताओ एक सौ बीस है या नहीं है, देखो। अभी तक हमने घनाभ के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन क्वेश्चन पढ़े थे। अब घनाभ में कुछ अपवाद की स्थितियां बनती हैं, अपवाद की स्थितियां कैसे बनती हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कुछ विशेष कंडीशन हैं इसके अंदर, विशेष अपवादिक कंडीशंस, अपवादिक स्थितियां। देखो ये अपवादिक विशेष अपवादिक कंडीशन क्या है, इसमें आप ध्यान से देखो कि जब घनाभ में एन वन का मान आता है और एक एन टू का मान आता है और एक एन थ्री का मान आता है, बात आ रही समझ में, ये तीन एन के मान है, इन तीनों एन के मानों में, इन तीनों एन के मानों में पहली कंडीशन क्या होगी, जब एन वन का मान, किसका मान एन वन का मान क्या आ जाए एक हो जाए, और दूसरी कंडीशन क्या होगी एन वन वे एन टू का मान एक हो जाए या एन टू वे एन थ्री का मान एक हो जाए, या अपन कह सकते हैं एन थ्री वे एन वन का मान एक हो जाए। कहने का मतलब इस एन वन के मान में एक हो जाए, मतलब कि एन वन एन टू एन थ्री इन तीनों में से एक होना चाहिए, मतलब कोई भी उसका मान एक आ जाए। तो समझ में आ गया, जब एन वन का मान एक हो जाए, या इसमें अपन लिख सकते हैं एन टू का मान क्या हो जाए एक हो जाए, या फिर एन थ्री का मान क्या हो जाए, का मान कितना हो जाए एक हो जाए। कहने का मतलब क्या है, एन वन के मानों में, मतलब एन के मानों में कोई एक हो जाए, कोई एक एक हो जाए, समझ में आ रही मेरी बात। तीन है ना एन, एन वन एन टू एन थ्री, इन तीनों में से एन वन में एक हो जाए
मतलब N1 की मान एक आ जाए, N2 का मान एक आ जाए, N3 का मान आ जाए। दूसरे कंडीशन क्या है, कोई भी दो N1 N2 हो जाए, मतलब इनमें इनका मान एक आ जाए, N1 का भी N2 का भी एक एक। बात मेरी क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। तो इसमें कितनी कंडीशंस बनेंगी, तो इसमें दो कंडीशंस बनेंगी। इन दोनों कंडीशंस को आप ऐसे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी, दोनों इम्पोर्टेंट होंगी। दोनों कंडीशंस क्या होंगी, इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। दोनों कंडीशंस क्या होंगी, इम्पोर्टेंट होंगी, इनको आपको नोट करके रखना है, ठीक है। और दूसरी कंडीशंस क्या है इसमें, इसका मान एक हो जाए चाहे इसका मान एक हो जाए, या फिर इसका मान क्या हो जाए, एक हो जाए। तो इन तीनों N1 के मानों में, इन N1, N2 और N3 के मानों में आपको क्या करना है, जो इसमें पहली जो कंडीशन है वो आप नोट कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब N1 का मान एक हो जाए या N2 का मान एक हो जाए, तब हमें क्या करना होगा। हम पहली कंडीशन नोट कर सकते हैं इसमें, जब N1 का मान क्या हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बात क्या होगी, तो इसमें पहली कंडीशन आप डाल सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है, तो आप लिख सकते हैं कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। स्थिति फर्स्ट यही है, क्या है, जब n के मानों में, n के मानों में कोई एक n बराबर क्या हो जाए, एक हो जाए। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में बताओ। अरे ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बताओ, हाँ या ना। कोई N1 का मान एक हो जाए तो अपन क्या करेंगे, ये घनाभ की आपवादिक स्थिति है, अच्छा। आपको ये बात कैसे समझ में आएगी, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर मान के चलो कि हमारे पास एक घन है, क्या है हमारे पास, एक घनाभ है, सॉरी घन नहीं है, घनाभ है, अरे घन तो सही बन गया ना, ये घनाभ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या बना दिया मैंने, घनाभ बना दिया। इस घनाभ की कंडीशन को देखना है आपको, कंडीशन को कैसे देखना है, ये जो घनाभ है ना, मैंने आपको बताया था कि एक मैं माप ले रहा हूँ, मैंने एक माप ले लिया, एक 3 × 12 × 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, घनाभ को, सॉरी रंगे हुए घनाभ को, घन को नहीं, 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो इस एक क्वेश्चन से इसको समझाऊंगा। अब लिखो, एक 3 × 12 × 15, एक 3 × 12 × 15 × 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को, रंगे हुए घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे 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 घनों में काटा जाता है, काटा जाता है। तो
इसमें पहला आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें पहला छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। पहला क्वेश्चन है कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, 4 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 1 सतह, 0 सतह। तो पहला क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या। क्या हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 सतह, 4 सतह, रंगे घरों की क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन है 2 सतह, रंगे घनों की संख्या क्या होगी। और चौथा क्वेश्चन है 3 सतह, रंगे घनों की संख्या क्या होगी। और पांचवा है 1 सतह, रंगे घनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। और एक छठा क्वेश्चन और भी है इसमें, इसमें लिख सकता हूं छठे को रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। तो मेरी बात आप समझो, जो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ना यहाँ पर, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें आप बताओ, कोई भुजा इसमें 3 सेंटीमीटर की, सपोज करना ये 12 की है और ये कितनी है, 15 की है, बात को समझना, बात को समझना। बात क्या है, बात यह है कि इस घनाभ के अंदर, ये घनाभ है, ठीक है, मैं घन बोल दूं तो आप समझ जाना घनाभ ही है। इसके अंदर जब हम N1 का मान निकालेंगे ना, तो आप ये सोचो कि 3 सेंटीमीटर की पहली है, तो इसमें हमें 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है, तो इसका मतलब 1 आ गया। और 1 में से जब हम 1 घटाएंगे तो इसका मतलब 0 कट लगाने पड़ेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, 0 कट का मतलब 0 पर काटना पड़ेगा सतह को, कटेगी नहीं, 1 सतह इसमें कटेगी ही नहीं। बात आ रही समझ में। N2 क्या है बताओ, 12 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 4। कितनी बार, कितने कट लगाने पड़ेंगे, 3 कट लगाने पड़ेंगे इसमें, 1 में 0 कट लगाने पड़ेंगे। N3 निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, 15/5 कितना जाएगा, 5। कितना जाएगा, 5। कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4 कट लगाने पड़ेंगे। 1 कम कट लगाते हैं ना, जैसे 5 हिस्से करने हैं इसमें, तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, और 5 हिस्से किसके करने हैं बताओ, 5-5 सेंटीमीटर के 3 हिस्से करने हैं, ठीक है, 5-5 सेंटीमीटर के 3 हिस्से करने हैं, या 5-5 सेंटीमीटर के 4 हिस्से करने हैं, मतलब 3-3 सेंटीमीटर के 5 हिस्से बनेंगे और 4 कट लगाने पड़ेंगे, ये मतलब होता है इसका। 3-3 सेंटीमीटर के 5 हिस्से करने पड़ेंगे और 4 कट लगाने पड़ेंगे, और 5 भागों में अगर हमको कोई चीज़ जलेबी को बांटना है तो 4 बार तोड़ना पड़ेगा। बात आगे समझ में नहीं आई, ठीक है, कंडीशन ये है। अब अपन समझते हैं, अब जो इसमें पहली बात बताओ कि जो 1-1 सेंटीमीटर का तो था, मतलब इसमें कट कितने लगाने पड़ेंगे, 0 कट लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस सतह को अपन नहीं काट सकते। क्या नहीं काट सकते, इस सतह को, सरफेस को हम बिल्कुल भी नहीं काट सकते। कुछ बात समझ में आई आपको, मेरी बात समझ में आई कि नहीं। अगर 1 सतह नहीं कटेगी तो बाकी की कितनी कटेंगी, 2 ही सतह कट रही हैं,
तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो कुल छोटे घनों की संख्या तो हम निकाल ही सकते हैं कि इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होती है, n1 into n2 into n3। और n1 का मान कितना होगा जल्दी से बताइए आप, 1 into 4 into 5 तक 20 से कम। ये तो बात आपको बहुत अच्छे समझ बैठ गई कि जो कुल छोटे घनों की संख्या है वो कितनी है बताओ, 20 है। लेकिन आप एक बताओ कि जो शीर्ष घन है, मध्य घन है, केंद्रीय घन है, अंतः केंद्रीय घन है, ये क्या होंगे। शीर्ष घन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, शीर्ष घन कितने सतरंगे घन होते हैं बताओ, हैं 3 सतरंग हैं। तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये शीर्ष घन है, क्या है, और 2 सतरंगे घन क्या है, मध्य घन, और 4 सतरंगे घन को छोड़ो, 1 सतरंगे घन क्या है, केंद्रीय घन होते हैं, और जो रंगीन घन होते हैं वो क्या है, अंतः केंद्रीय घन होते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको अंतः केंद्रीय, ठीक है, बात आ गई है। अब आपको ये समझना है कि जो शीर्ष घन है वो कैसे निकलेंगे, जबकि मैंने तो आपको ये बताया था कि अगर इसमें हम n2 का मतलब अगर ये 12 है, कोई 12 भुजा, इसमें कितने कट लगेंगे, 1, 2 और 3, और 15 वाले हैं तो इसमें कितने कट लगेंगे, इसमें 3 कट लगेंगे ना, इसमें 3 कट लगेंगे, 1, 2, ये क्या है 3, लेकिन जो ये है इसमें कितने कट लगेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। कितने कट लग गए, 4 कट लग गए। लेकिन एक बार बताओ जो 3 सेंटीमीटर वाले हैं उसमें एक एक सेंटीमीटर के कितने हिस्से करने हैं, देखो एक एक सेंटीमीटर के इसमें कट तो 4 लगाने पड़ रहे हैं, वैसे तो 0 कट लगेंगे इसका मतलब, तो एक साइड में कोई कट लगेगा नहीं, ठीक है। आप इस भुजा को मान सकते हैं कि इस भुजा में आपको कोई कट नहीं लगाना पड़ेगा, बताओ तो बात समझ बैठी कि नहीं बैठी बताओ, अरे भाई बैठ गई कि नहीं बैठी, मतलब एक साइड आपको इसमें छोड़नी पड़ रही है। तो ये देखो आप, जिसमें एक साइड आपको छोड़नी पड़ेगी, तो शीर्ष घन में क्या है, ये घन घनाभ के कोणों से निकले होते हैं, घनाभ के कोण से निकलते हैं घन, लेकिन इस आपवादिक स्थिति में शीर्ष घनों की 4 सतह रंगी होती हैं और 2 सतह रंगहीन होती हैं, इसके अलावा ऐसे घनों की संख्या 4 होगी। तो मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि शीर्ष घनों की संख्या 4 क्यों होगी, क्योंकि जब ऊपर की सतह को हम कलर नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है, नीचे की 4 सतह ही बच जाएंगी, क्योंकि इसको तो काटा ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, हम बात 3 सतहों की कर रहे हैं, 3 के सामने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं। तो एक बात याद रखना, शीर्ष घन का आंसर इसमें क्या आ जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4। 4 क्यों आ गए, नीचे की जो 4 सतह थी ना उनकी बात चल रही फिलहाल, वो तो 4 ही होंगे ना। तो शीर्ष घन, ये घन घनाभ के कोणों से निकले हैं, लेकिन इस आपवादिक स्थिति में शीर्ष घन घनों की 4 सतह रंगी होंगी और 2 सतह रंगीन होती हैं, 2 सतह रंगीन होती हैं, इसके अलावा ऐसे घनों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। मेरी बात आप समझना ध्यान से, हम बात किसकी कर रहे हैं, जो 3 सतह रंगी हुई हैं, सतह की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो 3 सतह ही इसमें, वैसे तो इसमें 3 सतह रंगे घनों की संख्या की बात चल रही है, लेकिन 3 सतह रंगे घनों की संख्या, वो ऊपर देखो आप,
ऊपर देखो, तीन सतह के घनों की संख्या में से ऊपर मतलब उसको डिवाइडेशन नहीं होगा, मान के चलो, क्या नहीं होगा, डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मान लो इसको आप तीन तीन सेंटीमीटर में, मतलब कि तीन सेंटीमीटर की ज्यादा, एक तो ऊपर है और एक क्या है, नीचे है, यही तो नहीं कट रही है ना इसकी, बाकी तो चार क्या होंगी, बाकी चार क्या होंगे, उस पर तो कलर होगा ना, नहीं बैठी बात समझ। मतलब कि कहने का मतलब ऊपर का पूरा हिस्सा और नीचे का पूरा हिस्सा, नीचे का पूरा हिस्सा देखो आप, ये वाला हिस्से की बात चल रही है, ये नीचे का जो ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये ऊपर वाला, ये थोड़ी कट रहा है इसका, इस पर कलर थोड़ी हो रहा है। तो बचेंगे कितनी बताओ, शीर्ष घनों की संख्या चार बचेगी, कितनी बचेगी बताओ, नहीं बेटी बात समझ में, ठीक है बैठ जाएगी। और आगे क्या कह रहा है, आगे आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, उसके बाद है मध्य घन, ऐसे घन घनाभ के बीच में से आएंगे लेकिन इनकी तीन सतह रंगी हुई होंगी, और क्या होंगी, तीन सतह रंगी हुई होंगी और तीन सतह क्या होंगी, रंगहीन होंगी, तीन सतह क्या होंगी, रंगी हुई होंगी और तीन सतह रंगहीन होंगी, किसमें, मध्य घन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, मध्य घन की। तो आपको ऐसे घन में क्या होगा, आपको याद रखना है कि इसमें, किसमें, मध्य घन क्या होते हैं, इसमें तीन सतह क्या होती हैं, रंगीन होती हैं, और तीन सतह क्या होती हैं, रंगहीन। इसमें क्या होता है, एक सतह, तीन सतह रंगे घनों की संख्या में चार क्या होती है, रंगीन, और दो क्या होती हैं, रंगहीन। इस बात को याद रखना है आपको विशेष तौर से, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, केंद्रीय घन, ये घनाभ के केंद्र से निकलते हैं लेकिन इस बार इनमें दो सतह रंगी होंगी जबकि चार सतह क्या होंगी, रंगहीन होंगी। दो सतह क्या होंगी, रंगीन होंगी, क्या होंगी, दो सतह क्या होंगी, रंगीन होंगी, और चार सतह क्या होंगी, रंगहीन होंगी, मतलब कि कोई भी कलर नहीं होगा। उसके बाद बात आती है किसकी, अंतः केंद्रीय घनों की। जब एक एन का मान एक हो जाता है तब इस स्थिति में कोई भी अंतः केंद्रीय घन नहीं बनता, अंतः केंद्रीय घन नहीं बनता है, इसलिए इनकी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो होगी। मेरी बात आप समझना, अगर मान के चलो कि हमारे पास एक डब्बे के अंदर, घनाभ के डब्बे के अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, अगर उसका ऊपर का डब्बा भी हट जाए और उसका नीचे का डब्बा भी हट जाए तो आइसक्रीम बचेगी क्या, नहीं बचेगी ना। तो अंतः केंद्र मतलब अंदर का जो माल भरा हुआ डब्बे के अंदर वो है, तो उसकी संख्या जीरो होगी। आप देखो तेल का पीपा देखो, उसको ऊपर से भी हटा दो, नीचे से हटा दो, क्या तेल रुक पाएगा, तो अंतः केंद्रीय घन का मतलब जीरो होगा। अपन इनको धीरे धीरे करके समझेंगे, एक एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएंगे, अभी हमने इनके एग्जाम्पल नहीं किए हैं, अभी हमने ये समझा है कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, चार सतह रंगे घनों की संख्या। अब इसमें आपको चार सतह रंगे घनों की संख्या को भी आपको मैं समझाऊंगा, तो इसमें जो पहला प्रश्न है ना उसका आंसर मैं निकाल चुका हूँ, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, 20 है, कितनी है, 20। चार सतह रंगे घनों की संख्या, इसकी संख्या निश्चित होती है, ठीक है, कितनी होती है बताओ, इनकी संख्या, इनकी संख्या क्या होती है, डेफिनेट चार होती है, क्या होती है, डेफिनेट चार होती है, क्लियर है, इनकी संख्या डेफिनेट कितनी होती है, चार। चार सतह रंगे घनों की संख्या, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब ऊपर के जब नहीं कटेंगे ना, ये नहीं कटेंगे ये वाले, तो बाकी के चार हिस्से बच गए, चार सतह रंगे घन अलग अलग हो गए ना, तो इसका मतलब इसमें चार सतह रंगे घन इसलिए आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बची बात किसकी है, दो सतह रंगे घनों की, बात किसकी बच रही है, दो सतह रंगे घन। तो दो सतह रंगे घन में देखना बाप, दो सतह रंगे घनों की संख्या क्या होती है बताओ, जल्दी से बता दो, दो सतह रंगे घन का मतलब क्या होता है, दो सतह रंगे घन को आप ध्यान से देखो एक बार, दिख गई आपको, क्या दिख रहा है इसमें, दिख रही है ना, दो सतह रंगे घन में क्या होगा, तो इसमें देखना, इसका फॉर्मूला बन जाएगा N2-2 और N3-2। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो N2-2
और एन थ्री माइनस टू, नाम से ही पता चल रहा है दो सतह नंगे घनों का मतलब है कि एन टू माइनस टू और एन थ्री माइनस टू, क्लियर है ना। तो इसका देखो एन टू कितना है बताओ, एन टू कितना था चार माइनस दो, और एन थ्री कितना था बताओ, एन थ्री कितना था पांच माइनस दो, चार में से दोगे दो और पांच में से दोगे तीन, दो तीन कितना जाएगा छह आ जाएगा, कितना जाएगा छह आ जाएगा। तो ये छह आएगा ना, इसको आप ध्यान से देखो, दो सतह रंगे घन कितने आ गए, कितना आंसर आ गया इसका छह आ गया। चार सतह रंगे घन का फिक्स है आपको बताना है कि चार ही आएगा, निश्चित चार आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तीन सतह रंगे घन की संख्या का कैसे निकालेंगे, तीन सतह रंगे घनों की संख्या का आप निकालेंगे, चार सतह रंगे घन और दो सतह रंगे घन को आप घटा सकते हैं, ठीक है। चार सतह रंगे घन और दो सतह रंगे घन को हम घटा सकते हैं, देखो एक बार, चार सतह रंगे घन क्या है बताओ, टोटल घन कितने हैं बीस हैं, चार सतह रंगे घन कितने हैं, कितने हैं चार, और कितने इसमें, दो सतह रंगे घन कितने हैं, चार सतह रंगे घन, चार सतह, तीन सॉरी तीन सतह रंगे घन पूछ रहा है ना आपसे, हाँ तीन सतह रंगे घन कितने हैं देखो, बीस में से चार गए, चार का मतलब कि चार सतह रंगे घन चार है ना, और दो सतह रंगे घन क्या है तेरा छः है, तो छः और चार दोनों घटा दो इसमें से, बीस में से दस बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पहले चार घटा दो तो बच गए सोलह, सोलह में छः गए दस, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तीन सतह रंगे घनों की संख्या, अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर तीन सतह के बाद पूछा है एक सतह रंगे घनों की संख्या, तो बताओ एक सतह रंग घनों की संख्या क्या होगी, बताओ एक सतह रंगे घनों की संख्या क्या होगी, इसके अंदर एक सतह रंगे घनों की संख्या जीरो होगी, कितनी होगी जीरो, क्लियर है। रंगहीन घनों की संख्या भी क्या होगी, ये भी जीरो होगी, पता लग गया क्यों होगी जीरो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, आगे इसमें हम और एग्जांपल करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक दो इंटू दस इंटू बारह सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को दो सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल छोटे घनों की संख्या, फिर चार सतह रंगे घनों की संख्या, फिर दो सतह रंगे घनों की संख्या, फिर कह रहा है तीन सतह रंगे घनों की संख्या, फिर कह रहा है एक सतह रंगे घनों की संख्या, फिर कह रहा है रंगहीन घनों की संख्या, क्या कह रहा है रंगहीन घनों की संख्या, ठीक है। अब देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, एन वन का मान कितना है इसमें, दो सेंटीमीटर दे रखा है, फिर ये बारह मान लो और ये दस मान लो, देखो एन वन का मान अगर हमने क्या माना दो माना मान लो, तो बटा में कितने भागों में डिवाइड करना है दो दो में, तो एक आ जाएगा, इसका मतलब कट कितने लगाने पड़ेंगे, जीरो कट लगाने पड़ रहे हैं, फिर एन टू कितना है बताओ दस, दो का भाग देंगे कितना जाएगा पांच, कट कितने लगाने पड़ रहे हैं, कट चार कट लगाने पड़ रहे हैं, और एन थ्री कितना है, एन थ्री बारह, दो का भाग देंगे कितना जाएगा छः, इसका मतलब कितने कट लगाने पड़ रहे हैं पांच कट लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो छोटा इसमें जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, एन वन इंटू एन टू इंटू एन थ्री, एन वन का मान कितना है एक, एन टू का मान कितना है पाँच, और एन थ्री का मान कितना है छः, छप्पन तीस एक कम तीस, देखो एन का मान एन वन एन टू एन थ्री में से एक का मान क्या हो गया एक हो गया, तभी ये सवाल बन रहा है बस, नहीं तो ये सवाल अगर एन अगर एक नहीं बनता ना ये सवाल तो कोई हमें झंझट ही नहीं है, दिक्कत तो ये आ गई कि अपवाद वाली स्थितियां बन रही है, एन वन एन टू एन थ्री में से एक बन जाए ना तभी ये सवाल का आंसर आपको इस तरीके से देना है। चार सतह रंगे घनों की संख्या फिक्स है कितनी है, चार होगी, डेफिनेट कितनी होगी, ये डेफिनेट चार होगी, और दो सतह रंगे घनों की संख्या का सूत्र क्या है बताओ, एन टू माइनस टू और एन थ्री माइनस टू, यही होगा क्या, एन टू कितना है बताओ, एन टू
पांच में से दो गए तीन, और एन थ्री छ माइनस दो चार, चार तिया बारह, तीन इंटू चार कितना जाएगा, बारह आंसर आ जाएगा। तीन सतह रंगे घनों की संख्या बताओ क्या करेंगे, चार और दो की बताओ कितनी है, बारह और चार सोलह, तो सोलह किसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, कितना जाएगा चौदह जाएगा। समझ में आ गई नहीं आ गई मेरी बात, और एक सतरंगे घनों की संख्या कितनी होती है, जीरो, और रंगीन घनों की संख्या भी क्या होती है, जीरो होती है ना, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ पहले, जल्दी जल्दी बताओ, अरे जल्दी बता दो। कुल घनों की संख्या तीस, चार सतरंगे घनों की संख्या चार, तीन सतरंगे घनों की संख्या बारह, और दो, सॉरी दो सतरंगे घनों की संख्या बारह और तीन सतरंगे घनों की संख्या चौदह, यही आएगी ना इसमें, और एक सतरंगे घनों की संख्या जीरो, रंगीन घनों की संख्या भी जीरो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, आज तक हमने n के तीनों मानों में, मतलब किसी भी n का मान अगर एक हो जाए तो हमने ये आपवादिक स्थिति के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।